बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम की हाल चाल ने जनाब तुसी वेखदे पे हो पाक पतन पंजाब टीवी। मैं थोड़ा मेज़बान मुहम्मद हसन रजा। सब तो पहले अपने चैनल नू करना है सबसक्राइब और बैल आइकन ते प्रेस करना है ताकि साड़ी नवी आवन वाली अच्छी और बेहतरीन वीडियो तुहाडे वीरां तक पहुँचे और तुसी वेखदे रहो। सब तो पहले अज दी वीडियो है जनाब, वीडियो दे विच दोस्तां नू सतलुज की जड़ी पानी की सूरत हाल है, सिलाबी सूरत हाल के आगाह किया जाना है। कोई दो दिन पहले भी असी एक वीडियो बनाई आई, अज जड़ी जगह पर मौजूद है ये जनाब पिंड चक कोट बहावल कोट बलोचा वाला। तुसी वीडियो दे विच भी सुनिया होना है दोस्तों ने, ते बलोचा कोट बलोचा वाला पिंड बड़ा मशहूर है मझां के हवाले नाल भी। चाचा अजीज खान बलोच इतों तकरीबन 15 या 20 किलिया से उन्होंने आबादी आई, बहनी आई, फार्म आया, मझा वाला डेरा हा, घर हा। तकरीबन ये जनाब इतों 20 किलिया से उन्होंने डेरा हा, उत्थे सारा पानी है। कैमरामैन साहब तुहानू पानी चेक करवाते पे ने, हर पास पानी ही पानी है। तकरीबन जिहड़ा कोट बहावल है इन्दे जनाब थले पानी है, बिच किना घरां दे भी वड़ गया है पानी, होते वाली साइड तो लैके थले थले अगे जिहड़ा चक सालम खान रथ वाले रस्ते दे नाल नाल पानी ही पानी है। बिच जिहड़ा पिंड है पिंड दे किना घरां दे विच भी पानी वड़ा है। ते ए जनाब सारा जिहड़ा इलाका है ना ये ज़ेरे आब है, फसलां सारियां तबाह होईयां ने पानी दे विच, हर चीज़ फना हुई हुई है। तो आज की जड़ी तारीख है जनाब 25 अगस्त बरोज जुमा 2023। आज जड़िया गल्लां दोस्तों के नाल होनिया ने, गल्लां ते जरा थोड़ा जिहा गौर करना है, अगे सजना बेलियां दे नाल दोस्तों दे नाल शेयर भी करना है। ए चक कोट बहावल है, सामने तुहानू नज़र आ रहा है, ए पानी है बिल्कुल, ए थोड़ा जिहा उन्होंने हिफाजती बंद बनाया, ये माशाल्लाह कायम है। इस पासू पानी नहीं बड़ा, अगली साइड तो पानी बड़ा है पिंड दे। थोड़ा जी तुसी अगे चेक करना है भी पिछे होता पिंड चक होता मझां दे हवाले नाल बड़ा मशहूर है, ते साडा अपना भी पिंड है माशाल्लाह होता। ते होते दे जनाब तकरीबन कोई 10 या 15 किलिया दे पिछे पानी है, तकरीबन 15 किले पहले है पिंड बचा खला है, ऐसे अल्लाह पाक दा शुक्र है। बाकी हैड सुलेमान की तो लैके दरिया ते जड़ा बाहर पानी खिलरा फिरदा है ना, बाहर जड़ा पानी है उनका जड़ा दरमियानी इलाका है तकरीबन 8-9 तो 10 किलोमीटर दे विच इस टाइम एक साइड से पानी चलता भी है जड़ी जगह से मौजूद है। दरिया से जड़ा पानी बाहर निकला दरिया का सिलाबी पानी उनका तकरीबन 9-10 किलोमीटर फासला है चक होता तक। बाकी ए पिछे जड़े पिंड आते ने होता तो पिछे चौक संधे कोट बख्शा वाड़ा उस पिछे चक मुनवर आ जाता है, फिरोजपुर माड़ी आमबाली या पिछे जड़े भी इलाके ने वो जेरे आब ने, तकरीबन पानी ही पानी है उनके बिच हर जगह ते। ते अल्लाह पाक रहम करे सारे मुसलमाना ते, ते जड़ी सिलाबी सूरत हाल है तुहाड़ी अखां दे सामने तुहानू आगाह भी करदे हुंदे आ। ते बाकी ये गल है भई अल्लाह पाक की नाराजगी आती है जड़ी वजह से सिलाब आते ने जलजले आते ने। थोड़ी जी मैं दोस्तों नू एक गल करना चाहना, किना दोस्तों नू गल चंगी भी लगनी है किना नू विच बुरी भी लगनी है। ते बाकी जिस तरह तुसी वेख्या पिछे 9 मई वाला वाकया, ते जिस तरह फौज की यूनिटा के अग लगी आई हर बंदे ने मजम्मत की आई तकरीबन फौज की जनाब जी उन्होंने यूनिटा के अग लगी आई, फौज ने पुलिस ने बंदे चक चक के गायब कर दिते, बंदे नू ढक दिता, यानी कि हर बंदा उनकी जनाब उस वाक्य 9 मई के वाक्य की मजम्मत की हर बंदे ने। लेकिन जिस तरह तुहानू पता है दोस्तों यह चेक करना है जेरे आप ने फसल मुंजी की फसल है, जिस तरह तुहानू पता है भी
स्वीडन दे विच कुरान पाक दी बेहुरमती हुई, फिर जेड़ा अपना पाकिस्तान दे विच बनिया है सानिया जड़ा वाला। इन्हां गल्लां ते जरा गौर करना है दोस्तां ने कि यार तुसी जेड़े अपनी जेड़ी आवाम है पाकिस्तान की आवाम है, आवाम लड़दी है जी, जेड़ी नवाज शरीफ नूं अगर कोई बंदा गल करदा है पीटीआई दा ते बंदे बखे पैंदे ने एक दूए दे गाल पैंदे ने, अगर कोई नून लीग वाला पीटीआई दे बारे कोई गल करदा है इमरान खान दे बारे ते एक दूसरे दे बंदे गाल पैंदे ने, लड़न नूं जांदे ने, मरण नूं जांदे ने। लेकिन जदों अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी अल्लाह पाक दी पाक किताब दी बेहुरमती होंदी है उदों कोई बंदा नहीं बोलदा, कोई भी नहीं बोलता, सिर्फ फेसबुक दे पोस्टां ला दे दसदे ने कि जी असी मुसलमान है, अजी असी एहतजाज करदे पे हैं, मुजम्मत करदे पे हैं, सिर्फ फेसबुक तक फेसबुक की हद तक रहिंदे ने। लेकिन जदों इत्थे पार्टियां की गल आती है तो उदों हर बंदा आपस में लड़ लड़ मरदा है, तो जदों अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा ते अल्लाह दी पाक कलाम का जिक्र आता है उदों हर बंदा चुप रह जाता है। बाकी यह जड़ा हुण पानी आया हुआ सिलाबी सूरत हाल है, असी एक जगह तो गुजर रहे असे रोड ते एक बंदे ने माल बिठाया होया हा ते माल उते बैठा हा, उते तकरीबन मुंजी दी जड़ी फसल ही पानी नहीं आया, फसल कटीजी हुई आई, जमीन जड़ी वेली पई आई, लेकिन जिन्ना दी जमीन आई उन्होंने लई हुई आई ठेके दे, वो ये गल करदे आ जड़े दोस्त सिलाबी सिलाब दे मुतासरीन आए जड़े मुतासर होए हुए है जिन्हां दी जगह ते पानी आया घरां दे विच, ओह उत्थों निकल के बाहर आए हुए ने रोडां ते, रोड ते माल भी बहांदे ने ते अपना जड़ा है बच्चे भी सारा कुछ। लेकिन जड़े बंदे दी जमीन है ओह आखदा जी इत्थों जानवर कढो असां मक्की लानी है। ये थोड़ा जिहा गौर करना है दोस्तों ने भी मुतासरीन आवाम नूं अपनी जड़ी है ना वेली जमीन ते भी कोनी बहण देंदा, वो आखते ने कि असी मक्की दी फसल बीजनी है, माल इत्थों अपना लैके जावो। इन्हां वजह तो ही सिलाब आंदे ने, जलजले आंदे ने, जदों जमीन ते इंसाफ खत्म हो जांदा है उदों फिर अल्लाह पाक खुद इंसाफ करदा है। ते यह सारियां गल्लां दोस्तां दे नाल मैं इस वास्ते शेयर करदा पियां कि बिल्कुल हकी ते सच्ची गल्लां ने, क्योंकि गौर कोई नहीं करदा अपने कम्मां ते, लोग नमाज नहीं पढ़ते, जकात नहीं देंदे, पता नहीं कितने करोड़ों दियाँ फसलां आउंदियां ने ते जकात खैरात को नहीं देंदा। हुण जदों पानी आया है तो कोई आखदा जी हुण फलां शै वंडो, फलां खैरात करो, पानी हट जासी, इंज कर दियो तो हट जासी। अगर तुसी पहले सारे काम करो आ तो ये जिहड़ी मुसीबत है ये नहीं आंदी आई। तो बाकी जिहड़ा है हुण दोस्तां दे अगे यही रिक्वेस्ट है कि जेड़े दोस्त मुतासर ने साडे इलाके वाले या साडा इलाका नहीं है, होर भी काफ़ी सारा इलाका मुतासर होया है, तकरीबन वो कसूर तो लैके हैड इस्लाम तक अगे जेड़ा सारा पानी है ये जाना है दरियाए सिंध दे विच, सिंध वाले लोग भी मुतासर होने ने क्योंकि सारा पानी इधरों एंड ते जाके उत्थे पहुँचना है। बाकी जड़ा 1988 सिलाब आया हा उदों काश्तकारी भी घाटा, जरात का सिलसिला भी घाटा, फसल घट होंदिया आई, लोग बीजते भी घाटा है, ज्यादा जड़ा रकबा हा ना वह गैर आबाद आ, मझा लोग चलाते होंगे है इवें दरिया चलते रहते हैं तो फसल घट होंदिया आई। लेकिन उदों जड़ा सिलाब आया हा 1988 के अंदर उदों जड़े मुतासरीन आए ना सिलाब दे, बाकी जड़े बचे हुए लोग आए एक दूसरे की उन्होंने बड़ी मदद की आए, जिंदे कोलों पट्ठे नहीं आए उन्होंने लोगों ने पट्ठे दिते, गंदम दिती, चावल, घर की हर चीज़ तकरीबन जड़े मुतासरीन आए उन्होंने जनाब मुतासरीन नूं दिती। लेकिन जड़ा होने वाला सिलसिला कार तुहाडी अखां दे सामने है, कोई किसी नूं पुछदा भी नहीं पिया, किसी ने किसी नूं नहीं पुछया, ना साड़ी गौरमेंट ने पूछा, बाहरों गौरमेंट भी जड़े वो लै लेंदी है कर्जा, अगे आवाम तक नहीं पहुँचता, अगर कोई पहुँचाने वाला आंदा है तो वह आंदा वड्डे किसी जिमीदार को, जिमीदार जड़े होंदे ने वो जनाब अपना ही
लिखवा लेंदे ने कि जिंदी नहीं भी बुढ़ी होंदी। पिछला जिहड़ा पानी आया उहदे विच इक बंदे दी इक मरला नहीं नुकसान होया ते उहने अपना लिखाया होया जी मेरा 80 किला डुब गया। इस तरह दे नाल हुंदा गरीब आवाम जिहड़ी है ना उहना दा जनाब गरीब आवाम दी जनाब कोई भी नहीं मदद करदा है। ते जिहड़ा गौरमेंट दी तरफों अगर कोई चीज़ आंदी है ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੱਲਾ ਕਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਤ੍ਰੀਏ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਸੱਟਣ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਮ ਮੁਸਤਹਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਜੋਗੇ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵੇਚੀ ਬਲੈਕਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਨੂਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਲਮ ਰੱਥ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਚੱਕੋਟ ਬਲੋਚਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਆਏ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਅਗਲਾ ਰੋਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਚਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਾਬ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬਰੀਡ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਜੇ ਅਤੇ ਔਂਜੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਰੀਡ ਵਾਲਾ ਕੱਟਾ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ 18 ਸਵੇ ਸੂ ਗਈ ਇਹ 20 ਸਵੇ ਸੂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੱਝ ਪਹਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜੀ 18 ਸਵੇ ਸੂ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਖਲੀਏ
इन्हें कोई चीज नहीं बधाई, इन्हें सिंह नहीं बधाए, इन्हें थन नहीं बधाया, इन्हें दुनी कोड़ी नहीं बधाई, जिसम बिलकुल फिट है, भावे दूसरा सुबह वे या तीसरा, आख देना जी 18वें सुबह। अगर किसी ने मझ वेचनी हो वे, फिर दूसरे सुबह तू उत्ते नहीं जान देंदे, भावे वह 12वां सुबह आवे, भावे 18वां आवे, तो भावे चौथा आवे, फिर आख सन जी दूसरा सुबह है, दूसरे तू उत्ते नहीं गए। इंशाल्लाह उम्मीद करना दोस्तों वीडियो पसंद आनी है, वीडियो पसंद आए हमेशा की तरह तुसी अपना जिहड़ा प्यार है वह साढ़े नाल कायम रखना है, वीडियो नू लाइक शेयर लाजमी करना है, तो मुहब्बत वाले कमेंट जिवें दी तुहानू वीडियो लगी है, जिहड़ा तुस तुहाडा इजहार ख्याल है वह तुसी कमेंटां दे विच लाजमी करना है, क्योंकि तुहाडे दसण दे नाल, तुहाडे कमेंट करन दे नाल, तुहाडी तनकीद करन दे नाल मेरे विच बेहतरी आनी है, मैं कुछ सीख सकदा तुहाडे कोलों, ते इस तरह दे नाल जिहड़ा सिलसिला है ये हमेशा जनाब कायम रहसी दोस्तों दे नाल, ते वीडियो नू लाइक शेयर लाजमी करना है। मैनू दियो इजाजत, नवी अच्छी और बेहतरीन वीडियो दे नाल हाजिर होवांगा। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।